नहीं, अच्छा हाँ, 20 जनवरी को आए थे। अच्छा इक्के तो बाबा ने इसमें सारा के एक्चुअली शिवरात्रि के नजदीक इसलिए ये मुरली चूज की होगी। सारा खेल का आधार लाइट और बिंदु, विशेष शिव जयंती के अवसर पर। फरवरी में होता है शिव जयंती, जनवरी में होता है तपस्या मास, शिव जयंती की लहर होती है। आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। हम जैसे जैसे बाबा कहते हैं ना, कमेंट्री है, देखते जाओ आज की मुरली। वैसे शिव जयंती नॉर्मली थोड़ी ऐसे एंथुजियाज्म वाला मुरली होती है, पर थोड़ा आज सीरियस मुरली है बाबा की। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हो। त्रिमूर्ति शिव जयंती क्यों बोलते बाबा? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन। ये तो हमारे लिए ना, आत्मा परमात्मा ड्रामा, शिव बाबा के लिए त्रिमूर्ति कैसे? तीनों दो बातें हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता, और त्रिमूर्ति 3 रूपों से, बाप टीचर सदगुरु, इसलिए बेलपत्र भी 3। तो सभी बच्चे के, तो त्रिमूर्ति शिव बाप अर्थात ज्योतिर्बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। यह तिलक सारे ज्ञान का सार है। इन 3 बिंदियों में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। सारे ज्ञान का सार 3 बातों में है, आत्मा परमात्मा और ड्रामा अर्थात रचना। आज का यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है। बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु, और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु, बिंदु की जयंती मना रहे हो ना, बिंदु बिंदु की जयंती मना रहे हैं, बिंदु बन मना रहे हो ना, बिंदु बन जयंती मनाना। कैसे मनाया? वैसे बिंदु की फीलिंग थी, लेकिन ज्यादा बच्चे की फीलिंग थी, बर्थडे की फीलिंग थी ना। तो मैंने यही कहा राजू भाई को, ये मुरली पहले होनी चाहिए थी ताकि वो स्थिति वैसी बनी। हम तो बच्चे के रूप में मना, बर्थडे के रूप में मना लिया। वैसे बाबा की मुरलिया बर्थडे के ऊपर भी चली है, शिवरात्रि शिव जयंती, पर आज बाबा की पूरी पूरी तपस्वी लहर है। तो सारा बिंदु बन मना रहे हो, सारा प्रकृति का खेल भी 2 बातों का है, एक बिंदु का और दूसरा लाइट ज्योति का। लाइट है तो सब कुछ है, आंखों में भी रोशनी है, लाइट है तो सब कुछ है ना। घर लाइट ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो बाप को सिर्फ बिंदु नहीं, तो देखो प्रकृति का सारा खेल भी 2 बातों का है, बिंदु का और दूसरा लाइट का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं, लेकिन ज्योतिर्बिंदु कहते हैं, रचता भी ज्योतिर्बिंदु है, और आप भी हीरो पाटधारी ज्योतिर्बिंदु हो। सिर्फ बिंदु नहीं कहते, ज्योति बिंदु। क्या फर्क है? बिंदु ज्योति बिंदु, लाइट ज्योति लाइट। और वे इसलिए हर धर्म में क्या कहा गॉड को, गॉड इज लाइट, यही बोला, नूरे इलाही। ये जब हज कंप्लीट करते हैं कहते हे नूरे इलाही, हे परवरदिगार, तो फिर नूर बोला।
और इसमें पारसी में पूजा ही आती होती है, पूजा ही आती होती है, जलती ज्योत वो मशाल होता है उनका, परमात्मा का चिन्ह। तो सारा खेल भी देखो, जो भी कार्य करते हो उसका आधार लाइट है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो एक सेकंड में संसार संसार नहीं लगेगा। जो भी सुख के साधन है उन सब का आधार क्या है? लाइट। रचयिता स्वयं भी लाइट है, लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। तो सारा खेल बिंदु और लाइट पर है। आज के यादगार दिवस को भी विशेष निराकार रूप से मनाते हैं ना, लेकिन आप कैसे मनाएंगे? आप विशेष आत्माओं को मनाना भी विशेष है ना। बिंदु बन बिंदु का यादगार मनाना, ऐसा कभी सोचा था क्या कि हम आत्माएं ऐसे पद्मा पद्म भाग्यवान है जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती मनाएंगे। देखो शिव जयंती शिव बाप के साथ मनाना, उसी की यादगार। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण के साथ मनाना हो तो क्या हालत हो जाएगी। राम नवमी राम जी के साथ मनाना हो तो, नवरात्र देविया साथ में हो और देवी मना रहे हो। तो आज वो आप लोगों ने देखेंगे वो वीडियो अगर रेडी हो जाए, बाबा झंडा वंदन करते थे शिव जयंती के दिन। शिव बाप खुद का झंडा लहराते थे, अव्यक्त बाप दादा। तो बाबा कह रहे कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं था किसी का यादगार दिवस जो पूरा वर्ल्ड मना रहा हो उसी के साथ मनाओ। दुनिया वाले तो यादगार चित्र से जयंती मनाते और आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हो। तो शक्तिशाली कौन हुआ, बाप या आप? शिव जयंती के दिन का ये बाबा का स्टैंडर्ड होता है कि आप बर्थडे, वैसे बर्थडे में भी ना आपने बाप को बुलाया तो कौन शक्तिशाली हुआ, बाप या आप? बाप कहते पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप आकर क्या करते? इसलिए पहले बाप बच्चों को मुबारक देते हैं, मन के मोहब्बत की मुबारक। बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया है ना, तो दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक। दिल में बाप को प्रत्यक्ष करने की मुबारक। कोई भी अनुभव होता है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा की किरणें टच किया, जैसे हम करण करावनहार की फीलिंग कर रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस है ना। तो एक्सपीरियंस ऑलवेज प्रत्यक्ष है। तो बाबा कहते हैं तो दिल में बाप को प्रत्यक्ष करने की मुबारक। साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं प्रति रहम दिल विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना शुभ कामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक। विश्व के आत्माओं के प्रति रहम दिल बन बाबा को, क्योंकि हमारी गुडनेस गॉड को प्रत्यक्ष करती है ना। जैसे हम क्रोध करते हैं, ऑफिस वाले साथ में है उनको क्या कहेंगे, आप कहते हो भगवान आते हैं, भगवान तुमको पढ़ाते हैं, आपको इतना भी कंट्रोल नहीं है। तो हमारी शुभ भावना शुभ कामना या चलन
बाप को प्रत्यक्ष करती है ना, तो शुभ भावना शुभ कामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक। बाप दादा सभी बच्चों के उत्साह का उत्सव देख रहा था। शिव जयंती में तो बहुत होता है ना उत्साह, कितने उत्साह उत्साह से इधर इधर दौड़ते थे, दौड़ा सेवा किया है ना। सेवा करना अर्थात मेवा खाना, उत्साह से उत्सव मनाना। उत्साह से उत्सव मनाना ये है सेवा करना। एंथुजियाज्म होता है ना, चाहे कितनी भी शिव जयंती मनाई हो, ऐसा थोड़ी है कि अभी बहुत हो गया, इस बार इतना कोई मोटिवेशन नहीं थी, ऐसा था किसी का? मेहताबेन कितनी शिव जयंती मनाई, उत्साह तो उतना ही था ना, बाबा का मेरा एक्सेट्रा। तो सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की, उतना ही बेहद का उत्सव मनाते हो। सेवा का अर्थ ही क्या है, सेवा क्यों करते हो? प्रत्यक्ष करना। अच्छा, और सेवा क्यों करते हो? जो पढ़ के आए हो तुम, मत फिर आंसर नहीं करो। पढ़ के आने वालों को क्या करना है? दीदी खुशी होती है, वो बाद में वेरीफाई करो। हाँ, खुशी होती है दीदी सेवा करने से। सेवा करने से खुशी होती है। अच्छा, और अपना भाग्य उत्साह उत्साह। तो सेवा क्यों करते हो? आत्माओं में बाप के परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए। एक्चुअली आजकल आत्माओं में काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंथुजियाज्म का है, एंजॉयमेंट है, एंथुजियाज्म है, एंजॉयमेंट का एक स्टाइल है। एंथुजियाज्म और एंजॉयमेंट में क्या फर्क है? Enthusiasm, दीदी ईगरनेस टू डू समथिंग, डू समथिंग, आप ईगर है टू डू समथिंग, दैट इज एंथुजियाज्म। और एंजॉय मतलब स्पेंडिंग, खुद के ऊपर करते गए करते गए, कोई बात हुई हंसते, ठाका मार के हंसते, एंजॉयमेंट है। लेकिन अंदर की वो उत्साह है, अंदर का मोटिवेट थोड़ा सा फिर कुछ कहा डाउन गया, वो उत्साह नहीं होता है। अगर उसी समय किसी ने इतना सा टोक दिया तो फिर, तो ये फर्क है। हमारा क्या एंजॉयमेंट नहीं है, हम उत्साह में है। हाँ, आज ऐसे करेंगे, आज ये सेवा करेंगे। तो बाबा कहते हैं आत्माओं में बाप का परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए। जब सेवा के प्लान बनाते हो तो यही उत्साह रहता है ना, कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, वंचित आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाए। इच्छा होती है ना, किया भागे ना फिर वंचित आत्माओं के पीछे भागे कि भाई आओ आओ वर्षा ले लो। अभी तो क्या बोलते, बिक्री हो रही है, बाद में तो सेल बंद हो जाएगी, अभी तो सेल है। तो बाबा कहते हैं ऐसा फील होता है ना, आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव कराए। अभी किसी भी आत्मा को देखते हो, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज के संसार में कितना भी बड़ा हो लेकिन हर आत्मा के प्रति देखते ही पहले संकल्प क्या उठता है, यह प्राइम मिनिस्टर है, यह राजा है, यह दिखाई देता है, या आत्मा से मिलते हो वह देखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं अब जैसे ही स्टेटस प्राइम मिनिस्टर आएगा तो आत्मा पहले दिखाई देता है या प्राइम मिनिस्टर पहले दिखाई देता है,
फिर इसमें हम फेल हो जाते हैं। स्टेटस पहले दिखाएं, भाई मिनिस्टर है, रोल वो फिर रोल हुआ, वो फीलिंग वो आती, वो पता सब कुछ है, लेकिन उसको देखते समय क्या करे, तो ये दिखाई देता है या आत्मा से मिलते हुआ देखते हो। शुभ भावना उठती है ना कि आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंचली ले लेवे। अब देखो ये आत्मा, हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर है ये दे, लोगों का तो यही होता है ना, कुछ कोई भी फेवर्स दे वो दे, और हम सोचते हैं आत्मा को ये फीलिंग आए कि आत्मा भी भगवान से ले ले, सामने अंचली ले ले वे, इस संकल्प से मिलते हो ना। इसलिए मैंने दीदी से मिले था ना मोहिनी बहन को, तो हमने कहा कि दीदी आपने वो योग कराया ना, प्रधानमंत्री के सामने योग कराया, ये बहुत पावरफुल किया, वो वातावरण ही डिफरेंट हो गया वो एक्सपीरियंस। क्योंकि जनरली बोला 6 मिनट मिला मुझे, तो वो घड़ी दिख रही थी सामने, फिर घड़ी, क्योंकि कहा कि वो ज्यादा नहीं बैठेगा ये, फिर लेकिन वो तो ज्यादा ही बैठा था जब वो आजादी वाला लॉन्चिंग हुआ था तो। लेकिन योग, ये संकल्प था इस आत्मा को योग भगवान बाप की अनुभूति करानी है। तो देखो आत्मा की फीलिंग आना, तो बाबा कहते हैं, तो अब ये शुभ भावना उत्पन्न होती है ना, कि शुभ भावना उठती है कि ये आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंचली ले लेवे, इस संकल्प से मिलते हो ना। अब ये शुभ भावना उत्पन्न होती है तभी आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। ये आत्मा, ये मेरा भाई, दादियों की ये बहुत पावरफुल फीलिंग थी। जब अब ये ओआरसी का उद्घाटन हुआ था तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे ना प्रेसिडेंट, तो और बड़ी दादी भी थे, तो स्टेज पर दादी मतलब भाई प्रेसिडेंट है, ये फीलिंग कभी नहीं होती थी जानकी दादी बड़ी दादी को। तो दोनों स्टेज पर है ना, हाथ में जैसे ना हाथ में हाथ लेके उंगली पकड़ के, वो फोटो देखा आपने, तो वो दोनों स्टेज पे दोनों इकट्ठे ऐसे आए, भाई है मेरा, भाई है आत्मा, भाई है। इसी तरह दादी, इसी तरह गुलजार दादी, ये फीलिंग आती थी। तो वो भी प्रेसिडेंट की सीट पर दादी को बिठाता था, वो नहीं बैठता था जब दादी आई तो, या फिर लॉन में बैठते थे अब्दुल कलाम जी। तो बाबा कहते हैं कि शुभ भावना, तो उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना आपकी है, लेकिन आपकी भावना का फल उनको मिल जाता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प, सुना, वायुमंडल की सृष्टि रचता है, एक एक शुभ संकल्प ये वातावरण बनाता है। संकल्प से सृष्टि कहते हैं ना, आते ही कितनों को, मतलब ऑलमोस्ट एवरीबडी जो भी इधर आते हैं, पहला सेंटर पे आते ही वो जो अनुभव होता है साइलेंस, शांति का बहुत होता है, बहुत फीडबैक ये तो मिलता ही है। तो बाबा कहते हैं आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प, सुना, वायुमंडल की सृष्टि रचता है। अब एक घंटा सपोज अगर वहां बैठे हो, अभी मुरली सुन रहे हो, एक घंटा शुभ संकल्प वायुमंडल को कितना शुभ बनाएगा, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। आप क्यों शक्ति है, वो शुभ भावना बिना
बिना कोई संकल्प की भावना है, बिना कोई लेने की भावना है, निस्वार्थ भावना है, तो उसमें बहुत शक्ति है। आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। संकल्प से सृष्टि कहते हैं ना, तो इसलिए ये शुभ भावना का शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। इसलिए आने वाली आत्मा को सब अच्छे से अच्छा अनुभव होता है, न्यारा संसार अनुभव होता है। थोड़े समय के लिए आपके शुभ संकल्प की भावना के फल में वह समझते हैं कि यह न्यारा और प्यारा स्थान है। श्रेष्ठ भावना होती है शुभ भावना, न्यारे और प्यारे फरिश्ते आत्माएं हैं। कैसी भी आत्मा हो लेकिन थोड़े समय के लिए उत्साह में आ जाते हैं। जो भी स्थान बाबा के स्थान पे जाते हैं, जब भी जितने समय रहे उतने समय तो 100% उनको वो अच्छा अनुभव होता है। फिर कितने समय तक वो कैरी करके फिर उसको री इन्वेस्ट करते वो अलग बात है। पैसा है अगर खर्ची कर दिया तो फिर हम बाद में तो, लेकिन कमाते तो है ना, उस समय तक तो शुभ भावना कमाते, उत्साह कमाते, अंदर वो लेकर जाते। तो बाबा कहते हैं थोड़े समय के लिए शुभ संकल्प की भावना में फल वह समझते हैं कि न्यारा और प्यारा स्थान है। कैसी भी आत्मा हो लेकिन थोड़े समय के लिए उत्साह में आ जाते हैं। तो सेवा का अर्थ क्या हुआ? उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में लाना, उसको एंथुजियाज्म में लाए। कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे वाणी द्वारा, अब उसको एंथुजियाज्म में लाना, उसके लिए हमको कितना उत्साह चाहिए अंदर। सपोज क्लास कराना है, अगर लगे क्या है, अब एक दो जन तो बैठे हैं, क्या फायदा, उत्साह कम होगा? एक ही जन बैठा है, उत्साह कम होगा? अच्छा ये भी अच्छा है। इतना एंथुजियाज्म भगवान के महावाक्य में कह रही, एक्चुअली खुद को बेनिफिट हो रहा है ना, हम ये देखते, वो एंथुजियाज्म। ठीक है, क्वांटिटी की बात नहीं होती है। और फिर वो एंथुजियाज्म, वो एक आत्मा क्या पता क्या सेवा करे, तो वो तो खैर बाद में की बात है, लेकिन उस समय की स्थिति। तो बाबा कहते हैं थोड़े समय के लिए, तो सेवा का अर्थ क्या हुआ? उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में लाना। कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प, चाहे हर बोल, उत्सव है, क्योंकि उत्साह से करते हो। ये होना चाहिए, कम नहीं हो, बहुत हो गए दीदी, बहुत प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्राम करते हो आप। सुनीता बेन पक्का, मीनू बेन जिनकी जिम्मेवारी है, दीपिका बेन क्या है, इतना प्रोग्राम्स है, कम ऐसा तो नहीं लगता है? पक्का, भोग भी बनाना पड़ता है, डेकोरेशन भी करना पड़ता है। एंथुजियाज्म भगवान, एक्चुअली हम सोचते योग करो ना वो अच्छा है, बाकी में क्या है, बाह्य मुक्ता है, ठीक है, वो ठीक है, योग भी है, लेकिन उत्साह वो भावना वो कराती। क्या हम बाकी सब बाह्य मुक्ता के काम नहीं करते घर में? चलो ये वाले हम सोचते बाह्य मुक्ता है, घर के सारे काम अंतर्मुक्ता के है, जो बिल्कुल नहीं करते और खाली योग में बैठे रहते हो, चलो वो तो ठीक है। तो फिर भलो ये मत करो, वो सब करते, फिर इसमें बाह्य क्यों बाह्य मुक्ता की फीलिंग? वही एंथुजियाज्म, बाबा का कार्य, बाबा भगवान मेरे द्वारा करा रहा है, भगवान मेरे से करा रहा है।
भावना थी। तो बाबा कहते हैं, कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, तो इस स्मृति से, तो चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प द्वारा, सुना, चाहे हर बोल उत्सव है। क्योंकि गुलाब भाई, क्योंकि हर बोल उत्सव है, क्योंकि मेवा मिलता है, सेवा से मेवा मिलता है। उत्साह से करते हो, उत्साह से करते हो और उत्साह दिलाते हो। जब खुद के उत्साह से करता है ना, वो क्रिएटिव भी होता है कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा। जब उत्साह नहीं होता है ना, बोला उतना करेगा। ये टेबल है ना, यहाँ से यहाँ उठाओ, वहीं तक उठा के रखेगा। अगर वहां ठीक नहीं है तो दूसरी जगह भी देख लो, वो नहीं जाए, वो बुद्धि नहीं चलाएगा। इसलिए जब मूड ऑफ होता है ना, तब आप कुछ कहो उनको तो वो उतना ही करता है, कर तो लेता है, अपनी बुद्धि नहीं चलाता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं उत्साह से करते हो और उत्साह दिलाते हो, इस स्मृति से कभी भी थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं लगेगा, माथा भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होंगे। जब किसको थकावट होती है व दिल सुस्त होती है, तो दुनिया में भी क्या करते हैं, कोई ना कोई मनोरंजन के स्थान पर चले जाते हैं, थोड़ा चेंज हो जाए या रूटीन में। कहते हैं आज माथा बहुत भारी है, इसलिए थोड़ा मनोरंजन चाहिए। उत्सव का अर्थ ही होता है, उत्सव का अर्थ ही है मौज मनाना। मौज मनाना, खाओ पियो मौज करो, उत्सव। ये उत्सव है ना, ये जीवन ही उत्सव है। पर्टिकुलर डे नहीं, वो तो पर्टिकुलर डे तो हम वो उत्साह को एक्सप्रेस करने का एक प्रोग्राम बहाना है, बाकी जीवन ही उत्सव है। दीदी यही कहते थे मोहिनी बहन, जब दादियाँ होती थी तो भोजन कर लिया, फिर बैठते थे, फ्रूट्स की प्लेट्स आ रही है और एकदम मतलब हंसते खेलते करते हुए, जैसे फ्रूट्स खा रहे कर रहे। तो बोला कोई अगर कोई सोचते थे कि हेड्स सारे इस तरह रिलैक्स्ड है कि जिनके ऊपर एक एक इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस की जिम्मेवारी है, अकाउंट इतना भरा हुआ नहीं है और इतने रिलैक्स्ड हेड्स। उत्सव, उत्साह, अंदर का एंथुजियाज्म, ये भरा, ये आत्मा को बड़ा भरपूर रखता है। चीजें नहीं भरपूर रखती, एंथुजियाज्म बहुत हो। तो चाहे हम भोजन ही बना रहे घर वालों के लिए, मतलब वो आत्माओं के लिए बना रहे, बाबा के लिए बना रहे, उत्साह, कुछ सेवा ही कर रहे, झाड़ू ही करना पड़ रहा है, क्या है मेड ही नहीं आती है, ये हमेशा ऐसे टाइम पे धोखा दे देती है। अब ये क्या कर रहे हैं, हम कर्स कर करके करते बाबा का घर है, चलो नहीं इसमें। और कई बार हम ज्यादा अच्छे से करते उनसे अगर सफाई भी ऐसे कभी करनी पड़े। उत्साह, बाबा कहते हैं तो ब्राह्मणों का तो खाओ पियो मौज करो ये उत्सव है, ब्राह्मणों का तो हर घड़ी, ये नहीं सिर्फ सेवा कर रहे तब उत्साह हो, घर में गए अब तो बहुत थक गए, होता है नहीं, बल्कि उस सेवा के अगर विशेष हम सेवा के समय करते तब तो एनर्जी, डबल एनर्जी होती है, हमारा तो यह अनुभव है। उस दिन तो चाहे कुछ भी हो जाए थकान बिल्कुल नहीं होती, उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि वो डबल एनर्जी काम कर रही है ना, बाबा भी कर रहा है ना उस समय। उत्सव मनाने में तो बाबा कहते ब्राह्मणों का हर घड़ी उत्सव है, हर कर्म ही उत्सव है। उत्सव मनाने में थकावट होती है क्या, या मधुबन में जब मनोरंजन का प्रोग्राम करते हो भल 11 बज जाते हैं तो भी बैठे रहते हो, और क्लास में अगर 11 बज जाए तो
आधा क्लास चला जाता है, भगवान को ये सब छोटी छोटी डिटेलिंग भी पता है। मनोरंजन अच्छा लगता है ना, शाम के समय अनाउंस कर देते हैं ना, तो फिर कितना फुल डायमंड हॉल फुल हो जाता है। तो सेवा भी उत्सव है, इस विधि से सेवा करो, ठीक है। हाँ, स्वयं भी उत्साह में रहो, सेवा भी उत्साह से करो, और आत्माओं में भी उत्साह लाओ, तो क्या होगा, खुद में भी एंथुजियाज्म। अच्छा, तो देखो आगे सुनते जाओ, सब में उत्साह है, क्या है, रोज रोज मुरली उत्साह है, सेवा के लिए उत्साह है। हाँ नहीं, हाथ नहीं उठा रहे, ऑनलाइन सोचते सब ऑफलाइन वालों के लिए करना है, ऐसा तो नहीं। हाँ, बाबा कहते एंथुजियाज्म, उत्साह हो करते समय। अच्छा, तो सेवा में भी उत्सव है, स्वयं भी उत्साह में रहो, तो क्या होगा, जो भी सेवा करेंगे उस द्वारा अन्य आत्माओं का भी उत्साह बढ़ता रहेगा। देखो बच्चा है, कितना एंथुजियास्टिक होता है ना छोटा बच्चा, इधर उधर ये उसको देख देख के दूसरा भी कहता है ये हमारे स्ट्रेस बस्टर्स है। क्यों, उत्साह, उनके अंदर वो एनर्जी होता है ना, तो हमको देखकर दूसरे का भी स्ट्रेस बस्टर हो जाए। हाँ हाँ, एंथुजियाज्म। आप देखो, चाहे कोई दो ही जन आए, इतनी बड़ी एग्जीबिशन की दो ही जन आए, कोई बात नहीं, दो देवता तो आए, उतना तो आए, चलो फुल एंथुजियाज्म। देखो हमको तो मार्क्स मिलने वाला है, हम हाजिर है उसके लिए, करने के मार्क्स नहीं है। ऐसे तो फिर बाबा को वो कौन सा कंट्री था, ये जो यूरोप के कंट्री थी ना, वो एक बहन आई थी क्लाइमेट चेंज की, वो रॉकलैंड था या कोई, मतलब था कोई स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में वो बहने आई थी दो तीन साल पहले, बोला कि कितने साल पुराना सेंटर, 20 साल, कितने स्टूडेंट्स सुबह की क्लास में, जब उसने देखा ना, यहाँ फिनलैंड से थी, दो दो स्टूडेंट, बहुत एनर्जी। खैर खुशी होती है जब बहुत स्टूडेंट्स देखते हैं, लेकिन वो अलग तरह की सेवा ज्यादा करते हैं, वहां क्लाइमेट चेंज आदि की ज्यादा होती है वहां सेवा। तो एंथुजियाज्म, हमको तो मार्क्स हाजिर रहने के मिलते हैं ना, नंबर से बाबा मार्क्स नहीं देगा। तो बाबा कहते हैं जो भी सेवा करेंगे, ऐसा उत्साह है ना, वह सिर्फ मधुबन तक है, वहां जाने से फिर सर्कमस्टेंस दिखाई देंगे। पूछ रहे बाबा, जो भी सेवा करेंगे उस द्वारा अन्य आत्माओं का भी उत्साह बढ़ता रहेगा, ऐसा उत्साह है, वह सिर्फ मधुबन तक है, वहां जाने से फिर सर्कमस्टेंस दिखाई देंगे। मधुबन में बहुत उत्साह, जा रहे हैं ना अभी, और फिर वहां वापस, फिर वहां जाके डाउन। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है, जब उत्साह कम हो जाता है ना तब परिस्थिति वार करती है। बहुत खुशी होती है ना, कोई लौकिक खुशी भी बहुत, तो उस समय टीवी भी गिर जाए कोई बात नहीं, ठीक है करो करो, और नहीं तो कोई धक्का भी दे दे जब नाराजगी हो, तो वो भी फील होता है। उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेगी, आपके ऊपर बलिहार जाएगी उत्साह है तो। आज उत्सव मनाने आए हो ना, शिव जयंती को उत्सव कहते हैं, उत्सव मनाने नहीं आए हो, लेकिन हर घड़ी उत्सव है ये अंडरलाइन करने आए हो, हर घड़ी। कैसे हो सकता है हर घड़ी उत्सव, वो मुझे चिल्ला रहा है, बाबा कहते हर घड़ी उत्सव है, एक्यूज कर रहा है, उस पे रहम करो। टेस्ट पेपर ड्रामा के डिफरेंट फ्लेवर्स है ना दीदी, बाबा कहते नहीं तो रोज बोर हो जाओगे सेम चीज से। हाँ, तो कभी गाली का फ्लेवर मिलता है, कभी
क्रिटिसिज्म का फ्लेवर मिलता है, ये भी अच्छा अच्छा है, नया नया केक मिलता है, ये अच्छा है, ध्यान रखना। तो बाबा कहते हैं शिव जयंती को उत्सव कहते हो ना, तो ये अंडरलाइन करो, ताकत भी ना हो, मानो शरीर में शक्ति नहीं है, वह धन की शक्ति की कमी के कारण मन में फील होता है कि यह तो हो नहीं सकता, यह नहीं हो सकता। लेकिन उत्साह ऐसी चीज है जो आप में अगर उत्साह है तो दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़ करके आपके सहयोगी बन जाएंगे। अंडरलाइन समझा राजेंद्र भाई? ये है, दूसरा भी सहयोगी बन जाएंगे अगर वो शक्ति नहीं भी है हमारे में। धन की कमी भी होगी तो कहां ना कहां से धन को भी उत्साह खींच कर लाएगा। कितना अच्छी बात कही बाबा ने, आपका एंथुजियाज्म, स्पिरिचुअल एंथुजियाज्म, वो खींच कर लाएगा। उत्साह ऐसी चुंबक, ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच कर लाएगा। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है, इतना परिवर्तन हो जाता है। उत्साह ऐसी अनुभूति है, बहुत दिल में करने की फीलिंग हो ना, बस ये करना है बाबा के लिए करना है बाबा, ये उत्साह है। एक्चुअली उत्साह इज लाइफ। नहीं तो अगर हम सोचे अरे बहुत हो गए, 26 साल 40 साल हो गए, सेवा बहुत कर लिए, तो कुछ तो लाइफ ही नहीं है, फिर स्टॉप होगा। ब्राह्मण हर घड़ी उत्साह है, तो इतना एक्चुअली शुभ भावना जितनी होगी ना, शुभ संकल्प जितने होंगे वो उत्साह लाता है। श्रेष्ठ संकल्प जब होंगे तो उत्साह लाता है। थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन के संकल्प है ना, वो कैलकुलेटिव संकल्प होते हैं, वो उत्साह कम कर देते। तो बाबा कहते हैं इतना परिवर्तन हो जाता है। उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता, किसी भी परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे अब मुझे ये याद आता है, जब वो कोविड शुरू हुआ तो उस समय तो कोई साधन भी नहीं थे ना, ये रूम और सब बंद सेंटर पे, और तो लेकिन संकल्प ये था कि अब इसको कैसे बेस्ट करना है, ये जो परिस्थिति आई अब मुझे इसमें भी कैसे बेस्ट करना है। तो बाबा ने निकाला रास्ता निकाला और फिर करते गए। तो हम लोग फर्स्ट थे इंडिया में भी शायद जूम के ऊपर क्लास करना स्टार्ट करना। उस समय किसी को कंसेप्ट ही नहीं पता था जूम क्या होता था, तो आत्मा ही निमित्त बनी। और बाबा टच करता है ना, राइट पर्सन सामने आ जाएगा, राइट आत्मा उसका भाग्य बन जाता है। बाबा कहते तो उत्साह कोई भी परिस्थिति में कैसे मुझे बेस्ट करना है, ये नहीं देखना है कि इतना सा टाइम है या इतनी सी जगह है कैसे होगा, उसी में कैसे करना है, ये एंथुजियाज्म है। बड़ी की आशा रखते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बड़ी जगह हो ना फिर हम करेंगे या बहुत टाइम मिले ना तब हम करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, बैठे रहो तब तक बैठे रहो मतलब जब वो, तो फिर बाबा कहते ना कितनी अच्छी बात है, उत्साह तो वो खींच कर लाएगा, वो स्थान को खींच कर लाएगा, वो धन को खींच कर लाएगा, वो आत्माओं को खींच कर लाएगा। ये बाबा कहते हैं तो इतना परिवर्तन हो जाता है। उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। कितने सारे है, ये पूरा पैराग्राफ उत्साह के ऊपर है। आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वह सहज साकार हो जाएगा। ये बाप दादा का सभी सुना सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है भाई, सभी सेवाधारी सुना प्रदीप भाई क्या, फर्स्ट रिपीट करो फास्ट,
हर घड़ी उत्सव, फर्स्ट अंडरलाइन। दूसरा, अगर ताकत नहीं भी हो तो भी शरीर में, तन में, मन में, धन में, तो भी वो उसमें उत्साह हो तो वो ताकत उसमें आ जाएगी। सेकंड, थर्ड, वो धन को भी खींच के लाएगी। फोर्थ, हाँ, कोई भी आत्मा के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। फिफ्थ, हिम्मत, उत्साह धूल को भी धन बना देता है। तीन बातें धन के ऊपर बाबा ने कहा। सिक्स्थ, ऑनलाइन लास्ट बची है, ख्याल ख्वाब में भी। हाँ, जो ख्वाल ख्वाब में भी नहीं होगा वो सहसा, बस अंदर उत्साह रखो। बाप दादा की गारंटी है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही, गारंटी है सेवाधारियों को कि जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वो हो जाएगा। हम तो सोच भी नहीं सकते जितना बाबा कर सकता है मुझको। हाँ, दूसरों को भी, हाँ, वो उसको भी खींच कर लाएगा, आत्माओं को खींच कर लाएगा। उत्साह करे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करे। दमयंती बहन इतने शांत कैसे बैठे, मार्च हो गया? शांत नहीं है दीदी, चल रहा है। बड़े प्रोग्राम अभी मुझको तो प्रोग्राम की बातें कर रहे हैं। शांति से नहीं बैठो, उत्साह। बाप दादा खुश, अब तो कोविड चला गया, करना चाहिए बड़े प्रोग्राम। बाप दादा खुश है, अच्छी लगन से सेवा के प्लान्स बना रहे हो। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को समीप लाना, अच्छी पॉइंट है। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को समीप लाना और समय को समीप लाना। बाप दादा भी देख रहे, संस्कार मिलन की रास अच्छी कर रहे थे, अच्छी खुशबू आ रही थी। संस्कार मिलन की रास, तो सदा कैसे रहना है? उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है। खुद न भी कर सको तो मैं काम नहीं कर सकती, सेवा नहीं कर सकती, शरीर नहीं चल। दूसरों को फिर उत्साह दिलाते हैं ना, तो दूसरों को उत्साह दिलाओ तो दूसरे का उत्साह आपको भी उत्साह में लाएगा। अयो। अच्छा सुना, उसका उत्साह आपको भी उत्सव मिला, क्योंकि हम तो सेवा कर रहे हैं ना, ऑटोमेटिक उसको प्राप्ति होगी, उसकी प्राप्ति देकर और मोटिवेशन हो, स्टॉप नहीं हो जाओ। तो बाबा कहते हैं निमित्त बने हुए, तो यही काम करते हैं ना, दादियां क्या करती थी, करो अभी। बोला ना कई बार, 83 का यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस करके नीचे उतरे वो ओम शांति भवन के सीढ़ियों से नीचे उतरे है पांडव भवन के वो चांदनी चौक में, वहां पहुंचे और दादी कहती है अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या करना है। बैंक अकाउंट सब खाली, क्योंकि जितना आता है उतना, जितना चाहिए उतना आ जाता है। दादी कहती नेक्स्ट प्रोग्राम, उत्साह। बड़ी दादी में, जानकी दादी में क्या था वो एनर्जी। तो दूसरे का भी उत्साह आपको, आपको भी उत्साह में लाएगा। तो दूसरों को उत्साह दिलाना अर्थात स्वयं को उत्साह में लाना। अच्छा, कोई सहयोगी नहीं मिल रहा है सेवा में, क्या करें फिर? सब छोड़ छोड़ के चले गए, समेटने के समय सब छोड़ के चले गए। उत्साह में रहो, अब क्या करें? बोलो बोलो, प्रैक्टिकल बताओ। उस समय तक शुरू में, स्टार्टिंग में, स्थापना के समय सब थे, प्रोग्राम के समय सब थे, समटने के समय चले गए सभी। बाबा कह रहा है ना, सेवा शुरू कर दो। हाँ, तुम उत्साह में रहो तो सेवा आ जाएगी।
रात के 10 बज गए, सब भाग गए सेवादारी जो जिम्मेवारी है उसके ऊपर पूरा पड़ गया। फिर अब वो तो होता है, अभी क्या करो, परीक्षा समझ कर आगे बढ़ो। परीक्षा समझो, ये भी परीक्षा आ गई, ये लो ये तो ठीक है, उत्साह से करना है। बाबा आ जाओ, चलो बाबा आ जाओ, बाप दादा दादी आ जाओ, करो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। सब बहुत किया है हमने, अकेले भी किया है, बहुत के साथ रहकर भी किया है, इनिशिएटिव लिया है, कुछ भी नहीं, सब अगेंस्ट में थे तब भी लिया है, कुछ नहीं, बाबा बैठा है, और खुद का एनर्जी चाहिए उसमें। बाबा कहते तो, बाबा कहते संस्कार मिलन की लाज, कई बार तो दूसरों को उत्साह दिलाना अर्थात स्वयं को उत्साह मिलाना, कभी बाय चांस 14 आना उत्साह हो तो दूसरों को 16 आना उत्साह दिलाओ तो आपका भी 2 आना उत्साह बढ़ जाएगा। देखा है? भगवान कितना डिटेलिंग में बात कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही, कोयले उठाने वाले तो भी उत्साह से उठवाएंगे। सुना ना एग्जाम, वो शिव भाई का कोयला उठाना था तो भी एनर्जी बाबा की, मनोरंजन करेंगे। अब उसी समय कोयले के 35 वैगन आने थे, बाप दादा मुरली में कोयले की बात कर रहे थे और थोड़े समय बाद समाचार मिला कि आबू रोड में कोयले के वैगन पहुंच गए, 35 वैगन। ये एक्चुअली या तो उसी समय की बात है, एक बार आ गए रात को, हाँ वही बात है, बाप दादा की मुरली चली और बाबा गए और वैगन्स पहुंचे। ये कौन है, राजू भाई बताता है, क्लास में एक बार बताया था, सब चले गए। बाबा की मुरली चलने के बाद, मतलब क्योंकि दिन से पूरे लगे हुए होते हैं, सब चले गए, वैगन्स आ गई, दादी तक समाचार पहुंचा, बाबा दादी ये रास्ते में है और ये खाली करना ये रास्ता। तो दादी ने देखा, दादी गई, अनाउंस कराया कि दादी अभी वहां खड़ी है, सब आ जाए, दादी खड़ी है तो आएंगे सभी। दादी ने कहा चलो हम चेन करते हैं, तो दादी ने चेन बनाई, मतलब दो दादियां सब, तो वो उधर से देता है, वो इसको देता है, वो इसको देता है, ऐसे करते करते वो फिर जहां रखना है वो कोयला वहां तक चेन बनाए, हो गया फटाफट, उसी समय की मुरली होगी। अच्छा, सभी पांडव क्या करेंगे, सुना, ये थोड़ी क्या है, इतना पूरे दिन से कर रहे हैं, अभी रात को भी ये बहने चैन नहीं लेने देती है, एक ये भी संकल्प आ सकता है, आ सकता है, पर बाबा ऐसे करते थे। अच्छा, सभी पांडव क्या करेंगे, सदा उत्साह में रहेंगे, उत्साह कभी पांडव, सुना, उत्साह कभी छोड़ना नहीं, हर चीज उत्साह से करो ना, सेवा भी करनी उत्साह से, बच्चों के साथ बैठना है उत्साह से, मोह से नहीं, उत्साह से। उनके एग्जामिनेशन के मार्क्स अच्छे नहीं आए, फिर अगले बार पढ़ाने का दिल ही नहीं करता है, हाँ उत्साह से पढ़ाओ, हमारा एंथुजियाज्म उसको भी एंथुजियाज्म में ला दे। उत्साह कभी नहीं छोड़ना, अभी का उत्साह, सुनो, आपके जड़ चित्रों के आगे जाकर पहले उत्साह हिम्मत लेकर फिर कार्य शुरू करते हैं। कोई भी काम में क्या करते हैं, देवियों के पास जाके शक्ति मांगते हैं कि बस अब करना है स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग पहले देवियों की स्थापना या जो भी इष्ट की स्थापना या हवन, ये सब क्या है, उत्साह, इतनी उत्साह भरी क्यों किया उन्होंने ऐसा, इतनी उत्साह भरी आत्माएं हो जो आपके जड़ चित्र भी औरों को उत्साह हिम्मत दिला रहे हैं। सुना राजू बहन तो बहुत उत्साह में रहती है, हिलोरे ही चलते रहते, बस
बाबा सेवा है ना। देखो बाबा ने आपकी मुरली चलाई आज, इतनी उत्साह भरी हमने, तो क्या होगा हमारे भगत भी हमारे सामने कैसे होंगे। जितनी उत्साह, देखो डायरेक्ट कनेक्शन है, संगम युग में हमने भरी होगी ना, वैसे ही भगत मेरे सामने आएंगे। बाबा कहते तुम काम चलाओ, काम करोगे सेवा में, तो भगत भी तुम्हारी पूजा फटाफट, आरती उतारा, ये किया वो किया, रख दिया, खत्म, चलो आगे बढ़ो। हाँ, वो विधिवत नहीं करेंगे, उत्साह से नहीं करेंगे। ठीक है, क्लास में आए किसके लिए? वर्षा बहन, उत्साह से या उत्साह से? उत्साह से आए ना, तो कभी हम कंप्लेन नहीं करेंगे कि देखो ऐसा हुआ ना, ये सेवा मैंने इतनी की ना, इसलिए मेरा पैर दर्द करने लगा। खुद के दिल से आते हैं, उत्साह से आना मतलब खुद से आना, किसी के कहने का आना ठीक है, फिर वो थोड़ा बहुत उसको ब्लेम करेगा ही कहीं ना कहीं, संकल्पों में, चलो बोल भी नहीं दिया। तो बाबा कहते हैं इतनी उत्साह भरी आत्माएं हो जो आपके जड़ चित्र भी औरों को उत्साह हिम्मत दिला रहे हैं। पांडवों का महावीर का चित्र कितना प्रसिद्ध है, कमजोर शक्ति लेने के लिए महावीर के पास जाते हैं ना। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों को बहुत अच्छा है बाबा ने ये मुलाकात भी, बाप और बच्चों का इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके। सबसे बड़े ते बड़ा नशा बच्चों को सदा यही रहता है कि दुनिया बाप को याद करती है, लेकिन बाप किसको याद करता है? और थोड़ा क्लियर करो, हम बच्चों को याद करते हैं। और थोड़ा क्लियर, मेरे को। बाप किसको याद करता है? बाप मुझे याद करता है। तो बाबा कहते बाप को तो फिर भी आत्मा ही याद करती है, लेकिन आप आत्माओं को कौन याद करता है? कितना बड़ा नशा है, ये नशा सदा रहता है। अब देखो कितना उत्साह दिलाया, नहीं वो चढ़े नहीं, कल्पना बन, उत्साह नहीं आया, उत्साह आ रहा है। हाँ बाबा देखो कह रहे हैं ये नशा सदा याद रहता है, कम ज्यादा तो नहीं होता, कभी उड़ते कभी चढ़ते कभी चलते, तीन स्टेजेस है, कभी उड़ते कभी चढ़ते कभी चलते, ऐसा तो नहीं, न पीछे हटने वाले हो न रुकने वाले हो, लेकिन स्पीड चेंज हो जाती है। बाप दादा सदा बच्चों का खेल देखते रहते हैं, कभी चलना शुरू करते हैं फिर क्या होता है, उड़ रहे होते हैं, फिर चलने में आ जाते हैं, फिर क्या होता है? बहुत अच्छी बात कही, कोई ना कोई ऐसा सरकमस्टेंस बन जाता है, फिर जैसे कोई धक्का देता है ना तो चल पड़ते हैं। तो ऐसा कोई ना कोई फिर बात ड्रामा अनुसार होती है जो फिर से उड़ती कला की ओर ले जाती है, क्योंकि ड्रामा अनुसार पक्के निश्चय बुद्धि है, दिल में संकल्प कर लिया है कि बाप मेरा मैं बाप का, तो ऐसी आत्माओं को स्वतः मदद मिल जाती है। मदद मिलने में कितना समय लगता है, थोड़ा सा अगर कोई डाउन हो भी जाता है तो आके तो फिर पीछे से धक्का आता है, कौन सा धक्का? ड्रामा का धक्का। कि ऐसी कोई बात हुई कि फिर योग की लगन और बढ़ गई, तो मदद मिलने में कितना समय लगता है, तो किसी ने कहा सेकंड, बाबा की मदद मिलने में कितना समय लगता है? आधा सेकंड, वंडरफुल। अच्छा सुनो, जिसने भी बोला देखो फोटो निकल रहा है। बाप का कैमरा सेकंड में सब निकाल लेता है, ये सब ऑनलाइन की फोटो भी निकल गई है, सुना? सेकंड लगे बाबा की मदद की, कुछ भी हो जाए लेकिन बाप और सेवा से कभी भी किनारा नहीं करना,
याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएंगे। बहुत हेडेक हो रहा है ना, मुरली नहीं सुनते, आज रेस्ट करते, क्या करें उस समय। हाँ, और किसका अनुभव है ऐसा, फिर उससे क्या हो गया। हाँ, उस समय नॉर्मल था, और बल्कि कितने बार तो सॉल्व हो जाता है। बाप और सेवा से किनारा नहीं करो। बाबा ने क्या कहा, सॉरी उस किनारा की बात नहीं है, जबरदस्ती नहीं हो तो भी करते रहो, जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएंगे। मूड नहीं है बहुत, ये ब्राह्मण ही नहीं हमको कुछ कह दिया, अब तो उसकी मुरली तो सुनना ही नहीं है मुझे, तो क्या करो फिर। जबरदस्ती सुनो, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि माया ट्रायल करती है। ये थोड़ा सा किनारा कर लेना तो मैं आ जाऊं इसके पास, इसलिए कभी किनारा नहीं करना। नियमों को कभी नहीं तोड़ना, छोड़ना, नियमों को कभी नहीं छोड़ना, जो भी नियम हमने बनाए हैं। कौन से नियम, अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा में, 4 बजे उठना है, फिर स्नान करना है, फिर मुरली सुननी है वाइट ड्रेस पहन के, क्लास में जाना है, जो नियम है, फिर भोजन की शुद्धि, नियमों को कभी नहीं छोड़ना। उसमें मन नहीं भी लगे लेकिन दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। नुमा शाम है, भारत में कहते हैं, विदेशियों से बात कर रहे हैं ना, इसलिए बाबा रिफर कर रहे हैं, जितना कायदा उतना फायदा। ये जो कायदे बने हुए हैं ना, नियम बने हुए हैं, उसको कभी भी मिस नहीं करना। देखो आपके भगत अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं, वो कितना हमारा अपना भगत लोग कितने पक्के होते हैं नियम में, होते कि नहीं। क्यों, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना स्नान के पूजा करते वो, कोई भी जगह, कितने भी मॉडर्न हो, नहीं करते। तो क्यों, क्योंकि हम आत्माओं ने कुछ भी हो जाए नियम छोड़ा, बिना स्नान के मुरली पड़ा, सुना नहीं, किया ना। और दूसरा नियम, अब क्लास में आने का नियम, जो नजदीक रहते, ये भी तो नियम है, ये बोला कि नहीं बाबा ने। हाँ, स्टूडेंट है, नियम छोड़ने का मतलब क्या हुआ, नियम छोड़ना मतलब किनारा करना, उमंगुस्सा कम होना, अपनी दृढ़ता छोड़ देना। हाँ, संयम राइट है, दृढ़ता छोड़ देना, दृढ़ता छोड़ दिया जीवन में, जो मुझे कोई नहीं देख रहा है, मुझे कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, मेरा कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं नियम नहीं तोड़ती हूं। ऑनेस्टी किसे कहते हैं, कब जब नहीं देख रहा है तो भी आप वैसे कर रहे हो, उसको ऑनेस्टी कहते हैं। सब देख रहे तब मैं अच्छे से योग में बैठू, जब कोई नहीं देख रहा है तब मैं थोड़ा रिलैक्स होकर बैठू, ये ऑनेस्टी नहीं। तो जहां मुझे कोई बहुत बोलने, कोई बोलने वाला नहीं कर, फिर भी मैं नियम करती हूँ, ये है सच्चाई। बाबा कहते हैं ये जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उसको कभी भी मिस नहीं करना है। देखो आपके भगत अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं ना, चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर, ये किससे सीखे। हाँ, आप लोगों ने सिखाया ना, सदैव ये अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं व नियम बने हैं उसको उसको बनाने वाले हम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बनाया या बने हुए मिले हैं, 4 बजे उठने का नियम उनको कहां से पता चला, संगम युग में हम 4 बजे उठे, सतयुग में 4 बजे उठे, फिर वही संस्कार आत्मा लेकर गई द्वापर युग में,
ब्रह्म मुहूर्त में उठा तो बाबा कहते ये कहां से पता चला उनको, आपने बनाया या बने हुए मिले हैं उनको। देखो सुबह 7 बजे की आरती बहुत बड़ी सुबह की मानी जाती है, वहां मंदिरों में भी सुबह 7 बजे की, 6 बजे की आरती। तो विदेशी वहां सेंटर मुरली 6 बजे होती है तो 6 बजे की आरती भी गायन है, यहाँ 7 बजे होती तो 7 बजे की आरती का भी गायन है ना, मॉर्निंग की वाली आरती का बहुत गायन है। तो नियम कहाँ से बने हुए मिले उनको, लॉ मेकर्स हो याद है? याद नहीं, अमृत वेली उठना ये आपका मन मानता है या बना हुआ है, इसलिए इस पर चलते हो। अब देखो पहले बाबा ने कहा उत्साह, फिर बताया कि नियम, फिर बोला कि चाहे नहीं भी दिल हो तो भी करो। अब बाबा क्या कह रहे हैं सुनो, तो ये आपका मन मानता है या बना हुआ इसलिए इस पर चलते हो अमृत वेले उठना। कोई बात नहीं, वो भी है, जो भी दिल का है वो आंसर बताओ। तो बाबा कहते हैं लॉ, तो जो मन मानता है ना वो मन में, तो आप स्वयं अनुभव करते हो, चलते हो या डायरेक्शन या नियम बना हुआ इसलिए चलते हो। आपका मन मानता है ना, तो जो मन मानता है वो मन में नहीं बनाया ना, कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो ना, मन मानता है इसलिए तो आप अमृत वेली उठ रहे हो ना, आपका मन मानता है। तो अगर मन मानता है तो मजबूरी से तो नहीं है ना, आपका मन मानता है तो सब मन को कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो, करना ही पड़ेगा, सब मन को पसंद है ना, क्योंकि जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता है। यहां बाप ने आदि मध्य अंत की तीनों कालों की नॉलेज दे दी, कुछ भी करते हो तो तीनों कालों को जान करके और उसी खुशी से करते हो। बाप देखते हैं कि कमाल करने वाले बच्चे हैं, बाप से प्यार अटूट है, इसलिए कोई भी बात होती है तो भी उड़ते रहो। बाप से प्यार में सभी फुल पास हो, पढ़ाई में नंबर वार हो, लेकिन पढ़ाई में नंबर वार हो लेकिन नहीं नहीं बल्कि और आगे का नंबर दिया है बाबा ने, प्यार में नंबर वन हो, बाबा से बहुत प्यार है सबका, बाकी औरों से प्यार हो ना हो बाबा से बहुत है। सेवा भी अच्छी करते हो लेकिन कभी कभी थोड़ा खेल दिखाते हो। अच्छा कौन सा खेल, जैसे बाप से नंबर वन प्यार है, बाप से नंबर वन प्यार, सभी हाथ उठाएंगे, अच्छा ऐसे मुरली से भी प्यार है, कांध नहीं दिखा, हाथ नहीं दिखा, हाँ वेरी गुड। तो बाबा कहते हैं तो जब से आए हो तब से कितनी मुरलियां मिस हुई होगी, एक भी नहीं, मुरली मिस नहीं हुई, एक भी नहीं, एक भी नहीं, ऐसे कितने हैं, एक भी मुरली मिस नहीं हुई जब से कोर्स किया उसके बाद, एक भी मुरली मिस नहीं हुई, वंडरफुल, एक दो तीन, हाँ इमरजेंसीज को छोड़ करके नहीं मिस हुई, अब वो एक अलग बात है, वो फिर पूरे दिन भी है, पूरा दिन भी है, वो तो आगे पीछे चलो कर लिया, मुरली मिस नहीं हुई ना, वेरी गुड। देखो है बहुत अच्छा, ऐसे बरकरार रखना, सुना राज भाई ये रिकॉर्ड चल हाँ। बाबा ने एक मुरली में कहा कि मुरली नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, हाँ मुरली नहीं मिस की, वेरी गुड, ये भी है। गुलाब भाई कभी मुरली घर में रहे 7 बजे तो लगता था कुछ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, तो रहते थे, मुरली कभी नहीं मिस किया, सेंटर पे जाना कभी नहीं, ये भी अच्छी है। बाबा कहते हैं देखो मुरली तो मुरली मिस करना तो कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो ना, तो बाबा कह रहे हैं जब से आए हो तब से कितनी मुरलियां मिस हुई होगी, कभी कोई ऐसे बहाने से क्लास मिस किया है हुँ? हुँ,
अच्छा, तो बाबा उस फिर उस कैटेगरी में आ गए। कभी कोई ऐसे बहाने से क्लास मिस किया है? जैसे बाप को याद करना मिस नहीं कर सकते, ऐसे पढ़ाई भी मिस ना हो। ठीक है, हो गया ना, अभी अब से नहीं करो, अब से रिकॉर्ड रखो। तो इसमें भी नंबर वन होना। कभी हम मुरली मिस करें तो ये कमेंट हमें मिले कि क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई घर वालों से, तो समझो कि ये हम ठीक है। अगर उनका कोई कमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब उनको भी पता है ये तो मिस करता रहता है ना। तो बाबा कहते हैं बाप के रूप में याद, इसमें भी तो इसमें भी नंबर वन होना है। बाप के रूप में याद, शिक्षक के रूप में पढ़ाई और सदगुरु के रूप में प्राप्त वरदान कार्य में लगाना, ये तीनों में नंबर वन चाहिए। वरदान तो सबको मिलते हैं ना, लेकिन समय पर वरदान को कार्य में लगाना, इसको कहते वरदान से लाभ लेना। तो ये तीनों ही बातें चेक करना कि आदि से अब तक इन तीनों बातों में कितना पास रहे, तब विजयमाला के मणके बनेंगे। अच्छा बाप दादा बच्चों की निश्चय और उमंग को देखकर खुश है। बाप दादा एक एक की विशेषता देख रहे हैं। बाप दादा जब देखते हैं कि कितना मोहब्बत से आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत को मेहनत नहीं समझते हैं, मोहब्बत से चल रहे हैं, तो खुश होते हैं। एक एक की विशेषता की लिस्ट बाप दादा के पास है, समझा? एक एक बच्चा बाबा बाबा को पता है कितना विशेष है। अच्छा विदाई के समय आज बाप दादा और अनेक बच्चों के, ये बाबा फिर झंडा वंदन करते हैं ना, झंडा वंदन का नहीं है लेकिन लास्ट है विदाई का, झंडा वंदन करके भी बाबा महावाक्य उचारते थे उन दिनों। आज बाप दादा और अनेक बच्चों के जन्म दिवस की पदम गुणा मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के जन्म दिवस की पदम गुणा मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के दिल का याद प्यार और साथ साथ स्थूल यादगार स्नेह भरे पत्र और कार्ड्स मुबारक के आए, मुबारक के पाए। हैप्पी बर्थडे का कार्ड दिया शिवरात्रि शिव जयंती पे किसी ने नहीं दिया? आगे से देना बाबा को हैप्पी बर्थडे का कार्ड। वो शिव जयंती के दिन आप लोगों ने देखा होगा मधुबन में वो डिस्प्ले होता है पूरा, हैप्पी बर्थडे टू बाबा। अच्छा सबके दिल की आवाज बाप के पास पहुंची। दिलाराम बाप सभी बड़ी दिल वाले बच्चों को बड़ी दिल से बहुत बहुत याद प्यार देते हैं। पद्म गुणा कहना भी बच्चों के सम्मान के आगे कुछ नहीं है। पद्म गुणा किसके लिए? पद्म गुणा मुबारक मुबारक, पद्म गुणा प्यार, ये पद्म गुणा कहना भी बच्चों के सम्मान के आगे कुछ नहीं। किस नजर से बाबा मामी देख रहा है, मुझे देख रहा है। इसलिए डायमंड नाइट की डायमंड वर्षा से मुबारक हो। सभी को याद प्यार और सदा फरिश्ता बन उठते रहने की मुबारक हो। अच्छा डायमंड मॉर्निंग 12 बजे के बाद हो गया होगा। अच्छा चारों ओर के सर्व अति श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सदा ज्योतिर्बिंदु बन ज्योतिर्बिंदु आपको प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, सदा विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले। देखो पहले था दिल में और अब विश्व में, ऐसे हीरे तुल्य बाप की जयंती, सो बच्चों की जयंती की मुबारक हो। सदा मुबारक से उड़ने वाले हैं और सदा रहेंगे ऐसे उत्साह में रहने वाले, हर समय उत्सव मनाने वाले और सर्व को उत्साह दिलाने वाले। उत्साह उत्सव और उत्साह दिलाने वाले महान शक्तिशाली आत्माओं को त्रिमूर्ति शिव बाप की याद प्यार मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा।
अच्छा वरदान है, वरदान भी बहुत पावरफुल है। अकल्याण की सीन में भी कल्याण के, कल्याण का अनुभव करने वाले, अनुभव कर सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। ड्रामा में जो भी होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। अकल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। परिस्थिति के समय ही निश्चय की स्थिति की परख होती है। निश्चय का अर्थ है संशय का नाम निशान न हो। कुछ भी हो जाए लेकिन निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती। हलचल में आना माना कमजोर होना, थोड़ा सा ही हलचल में आए। अब देखो कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है कुछ बात में हम लेट हो जाते हैं और फिर बाबा कहते हैं अकल्याण में भी कल्याण समाया हुआ है। तो हमने सोचा इसमें कल्याण क्या समाया हुआ वो देखो, दिखाई दे रहा है सब जगह से अकल्याण, ऐसा हुआ ये हुआ ये हुआ, अब इसमें कल्याण क्या समाया हुआ है इसको कहेंगे। ढूंढ सकते हैं हम, और ढूंढने के बाद ऐसा डीप कल्याण मिला होगा और कुछ नहीं, वो लेसन ही ऐसा लर्न करते जो 100 मुरलियां हमको नहीं सिखाती है, वो परिस्थिति सिखा देती है। कोई ऐसा लेसन नहीं होता है, हर बात में कल्याण समाया हुआ है। हाँ हर बात में। बाबा ने एक मुरली में कहा था हिमालय का पहाड़ भी गिरे ना तो भी बुद्धि स्थिर रहने, हिमालय का पहाड़। हलचल में आना, क्या होगा, बस ये सबसे बड़ा हलचल होता है ना। अच्छा तो हलचल में आना माना कमजोर होना। स्लोगन है परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। तो कितनी उत्साह भरा दी बाबा ने, कल करेंगे। अब एक इशारे बहुत, तीन तीन पेज का अच्छा डोज मिल गया। बहुत डोज मिला ना, पहले तो उत्साह का डोज मिला, फिर नियम कायदे में फायदा है, और फिर हाँ जबरदस्ती करो, कैसी भी हो जबरदस्ती करो। तो और उत्साह चुंबक है, उत्साह भी चुंबक है, ये करना है, उत्साह नहीं कम करना है। चाहे कुछ भी अभी योग करेंगे ना, आज योग भी उत्साह से, बस आज ही मुझे अनुभव करना बाबा ऐसा कराएगा, ये नहीं ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही रो योग है क्या है। उत्साह ठीक है, पहले बिंदु का था, फर्स्ट पेज में पूरा बिंदु बिंदु। देखो हमने तो मुरली बाद में पढ़ी, आज संकल्प ही पहले था, पॉइंट फॉर्म बिंदु रूप का योग करना है। ठीक है चलो जी।